तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए इतना शानदार हाउस लेकर आए हैं, सॉरी एक फार्म हाउस लेकर आए हैं कि आप इस वीडियो को बिना लाइक किए यहाँ से जा ही नहीं सकते। और दोस्तों जो इस फार्म हाउस की बाकी की डिटेल्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी और जो इसके डाउनलोड लिंक्स हैं वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। आप इस हाउस के बारे में वहां से पता लगा सकते हैं कि आपको यहां पर क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो इसके बाद इस हाउस के अंदर एंट्री लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हाउस के मेन गेट से एंट्री लेते हैं। एंट्री लेते ही आप सामने देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक रनवे पाथ देखने को मिल जाता है। आपकी गाड़ी यहाँ से सीधा पार्किंग एरिया की तरफ जाएगी और आपकी वहीं से हाउस की एंट्रेंस रहेगी। और दोस्तों इसके बाद इसी के एक साइड में आपको यहाँ पर एक वॉकिंग पाथ देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपना आराम से वॉक कर सकते हैं, आप यहाँ पर दौड़ सकते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है और ये होनी भी चाहिए अगर हम हाउस की रिक्वायरमेंट देखें तो। और इसके बाद आप इस हाउस का फ्रंट लुक देख सकते हैं। फ्रंट लुक आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक क्लासिक व्यू में देखने को मिल जाता है। और ये है हाउस का एक पार्किंग एरिया, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अच्छी पार्किंग मिल जाती है, स्पेशियस पार्किंग है ये। जो हाउस का फ्रंट एलिवेशन है आप इसका ओवरऑल व्यू देख सकते हैं, आपका फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर देखने में काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। और दोस्तों इसके बाद हाउस के जो फ्रंट का एरिया है हम इसकी बात करते हैं कि आपको फ्रंट में यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल जाता है। अगर आप हाउस के फ्रंट में देखें तो आपको यहाँ पर एक स्विमिंग पूल देखने को मिल जाएगा, जो कि एक फार्म हाउस में होना भी चाहिए। और इसके चारों तरफ आपको एक वुडन का डेक देखने को मिल जाएगा, जो इस स्विमिंग पूल के लुक को यहाँ पर काफी ज्यादा इनहेंस कर देता है। और इसी के साथ आपको यहाँ पर लॉन एरिया देखने को मिल जाएगा और आप यहाँ पर इस लॉन एरिया में देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक अच्छा गजीबो देखने को मिल जाता है। इसके अंदर अच्छी सिटिंग है और एक साइड में देखिए तो आप यहाँ पर अपना बाहर कुकिंग भी कर सकते हैं हाउस के अंदर। और आप इसका बाकी ओवरऑल व्यू देख लीजिए, जो कि आपका यहाँ पर देखने में काफी अच्छा और शानदार व्यू आपको यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है। और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलिए इसके बाद हम हाउस के पार्किंग एरिया से हम हाउस का ओवरऑल व्यू और देख लेते हैं। और दोस्तों जो हाउस की स्टेयर हैं वो आपको आउटसाइड में देखने को मिल जाएंगी और स्टेयर के नीचे आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से प्लांटिंग कर सकते हैं, सब्जियाँ लगा सकते हैं, जो कि एक हाउस में होना भी चाहिए। तो इसके बाद जो हाउस का रियर स्पेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्पेस आपको इसके चारों तरफ ही अच्छे देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों जो हाउस का साइड स्पेस है वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और अगर आप हाउस के साइड में देखें तो आपको यहाँ पर एक पोर्च देखने को मिल जाएगा और हाउस के अंदर की जो एंट्रेंस है वो भी आपको यहीं पर और देखने को मिल जाएंगी। आपकी यहाँ पर दो एंट्रेंस और अलग से बनी हुई हैं। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम हाउस के हॉल यानी हाउस के लिविंग एरिया की तरफ एंटर करते हैं। और जो इनके साइज हैं वो आपको नीचे मेंशन हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। और आप देख सकते हैं एंट्रेंस पर आपको अच्छा यहाँ पर सिटिंग स्पेस देखने को मिल जाता है और एक साइड में आपको यहाँ पर बार एरिया देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर फार्म हाउस की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर बार होना तो एक आम सी बात है, क्योंकि अगर यहाँ पर बार ही नहीं है तो आपका ये फार्म हाउस यहाँ पर किस काम का, और वो भी आपकी इच्छा रहेगी। आप यहाँ पर बार बनाए ना बनाए वो आपके ऊपर डिपेंड है। और इसके बाद आप आगे देख सकते हैं इसके साथ आपको अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाता है और जो टॉयलेट है वो आपको यहाँ पर अच्छे साइज के देखने को मिल जाएंगे। और जो हाउस की वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। आपको यहाँ पर जॉइंट डोर और विंडोज देखने को मिल जाएंगे और जो ये टॉयलेट है इसकी वेंटिलेशन आपके हाउस के बैक साइड की तरफ होगी। तो आइए चलिए इसके बाद हाउस के लिविंग एरिया से हाउस के डाइनिंग एरिया की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अच्छा एक डाइनिंग स्पेस देखने को मिल जाता है और सामने आपको एक ओपन किचन देखने को मिल जाता है। और जो हाउस का यहाँ पर किचन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आपको एक साइड में यहाँ पर ब्रेकफास्ट काउंटर भी देखने को मिल जाएगा। और आप इस एरिया की वेंटिलेशन भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जॉइंट डोर और जॉइंट विंडोज देखने को मिल जाएंगे। ये एक चीज होती है जो यहाँ पर फार्म हाउस में होनी चाहिए। और इसके बाद आप इसका ओवरऑल व्यू देख सकते हैं।
तो आइए दोस्तों इसके बाद हाउस के फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। इसका जो एक डोर है वो आपका हाउस के फ्रंट से ओपन होगा और एक हाउस के सेंटर से ओपन होगा। और दोस्तों आप इसका ओवरऑल व्यू देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अच्छी वार्डरोब यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और आपको इसके साथ अटैच टॉयलेट भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम स्टेयर से होते हुए हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ चलते हैं। हमने आपको जैसे बताया कि स्टेयर आपको आउटसाइड में देखने को मिलेंगी। और दोस्तों आप यहां पर फर्स्ट फ्लोर पर देख सकते हैं कि जो आपकी टेरेस की स्टेयर है वो भी आपको यहीं से आउटसाइड से देखने को मिल जाएंगी। और आप देख सकते हैं आपको यहां पर अच्छा एक सीटिंग स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि आपके हाउस के लिए बेनिफिट रहेगा और होना भी चाहिए। तो आइए इसके बाद जो हाउस के फर्स्ट फ्लोर का बिल्डअप एरिया है इसकी बात कर लेते हैं। एंट्रेंस लेते ही आपको यहाँ पर एक हॉल देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों जो ये हॉल है आप इसमें अपने हिसाब से जो भी यहाँ पर बैठने वगैरह का इंतजाम करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा रहेगी। और दोस्तों इसके बाद जो हाउस का सेकंड बेडरूम है वो आपको फर्स्ट फ्लोर पर देखने को मिल जाएगा। आप इसका ओवरऑल व्यू देख सकते हैं और आपको इसके अंदर अच्छी वेंटिलेशन, और इसकी अच्छी बात ये है कि आपको इसके साथ अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाएगा। और इनके जो साइज़ हैं वो आपको नीचे मेंशन हो जाएंगे, आप देख लीजिए। तो आइए दोस्तों इसके बाद हाउस के फर्स्ट फ्लोर से हाउस के टेरेस एरिया की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। हमने एक यहाँ पर छोटा सा टेरेस गार्डन बनाया है और एक साइड में आपका यहाँ पर वाटर टैंक आ जाएगा। हमने यहाँ पर एक स्विंगर भी दिया है। जो ये टेरेस है आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा रहेगी। और दोस्तों आप इस हाउस का ओवरऑल व्यू देख लीजिए और जो इसके डाउनलोड लिंक्स हैं वो आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छे कंटेंट आपको यहीं पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अगली बार एक और अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार।